मैं मानता हूं कि कांग्रेस का किस हद तक झूठी बातें करते हैं, गलत स्टेटमेंट करते हैं, बेबुनियाद स्टेटमेंट करते हैं, ये उनका उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योंकि इंडियन मुजाहिद फंडिंग करे बीजेपी और आरएसएस को, मैं मानता हूं कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और कोई मानता भी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस पूर्णतः राष्ट्रवादी संगठन है और इंडियन मुजाहिदी का पैसा फंडिंग यहाँ मिले, ये इम्पॉसिबल है। देश के कोई व्यक्ति इस बात में भरोसा नहीं करेगी, ये सच बात है। दूसरी बात ये है कि जब से मोदी जी मैदान में आए हैं, तब से ये कांग्रेस वाले की मानसिक संतुला खो बैठे हैं। और मैं मानता हूँ कि शंकर सिंह अपनी मानसिक संतुला खो बैठकर उन्होंने ये निवेदन किया है। और आने वाले दिन में कांग्रेस कहाँ तक गिरेगी और कितना झूठा प्रचार करेगी, ये उत्तम उसका उदाहरण है। ये बेबुनियाद बात है। अगर शंकर सिंह के पास एक भी सबूत हो, कोई भी उनके पास एविडेंस है, तो पूरी झग के सामने रखे, लोगों को बताए, वरना शंकर सिंह को माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरीके से निवेदन करना ये अच्छी बात नहीं है।